हटाना है, जरा जोर से बोलो हटाना है या नहीं हटाना है। साथ दोनों हाथ उठाओ, माताएं भी उठाए, उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद सुभाष सरकार जी, श्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद पत्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बैनर्जी जी, यहां उपस्थित जॉन संयोजक पार्थसारथी कुंडू जी, आज यहां पर आए हुए जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, भैया जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों के भरोसे जिनको कमल लेकर भेजा है, ऐसे हमारे चार प्रत्याशी रानीबंद से श्री खुदीराम टुडू जी आ गया। ये खुदीराम जी, ताली बजाइए खुदीराम जी के लिए। बड़वान से पारसी मुर्मू जी आए हैं, और सुधांशु हांसदा जी आए रायपुर एसटी सीट से, सुधांशु। समोल सरकार जी आए हैं, आओ भाई आगे। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, ये तीनों हमारे प्रत्याशी है, 2 मई के बाद ये तीनों विधायक बनकर बंगाल की सरकार बनाने में अपना वोट देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं एक क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं, आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने जा रहा है, आपका एक वोट ये तय करने वाला है, ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है, एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कट मनी मांगा है, कट मनी मांगा है या नहीं मांगा है, बोलिए मांगा है नहीं मांगा है। वन पत्र अधिकार देने में कट मनी देना पड़ता है ना भाई, पड़ता है नहीं पड़ता है। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, मित्रों बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था, उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां माटी और मानुष की सरकार देगी, उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा, उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया, कम्युनिस्ट को भी अच्छा कहलाने लगे, गरीब आदिवासी को सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता है, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है भाई बताओ, जोर से बोलो देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है। मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। कुछ भी करना हो, भ्रष्टाचार के बगैर होता नहीं, सिंडिकेट बनाई है, कट मनी लिया जाता है, अरे ये तो छोड़िए, अम्फाम के अंदर
जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। और स्थिति यहां तक हुई कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है केग उसकी जांच करे, और केग जांच कर रही है। मित्रों, गरीबों के लिए जो चावल मोदी जी भेजते हैं, चावल गरीब के पेट में जाना चाहिए या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में जाइए, बताइए कहां जाना है? आदिवासी माताओं के घर में चावल पहुंचाना होता है, वो चावल बाजार में बिकता है। टोल मनी हर जगह, चाहे कोयला हो टोल मनी, चाहे बंदर हो पोर्ट हो टोल मनी, आदिवासियों की वन उपज खरीदनी हो टोल मनी। ये टोल मनी का जो शासन है उसको बंगाल की जनता को बदलना पड़ेगा। और मित्रों, मैं बड़े दर्द के साथ आज आपको एक बात कहना चाहूंगा, बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला, राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे दो कार्यकर्ता को मार दिया है। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी, चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है, मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है, 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? किसी के भाई नहीं थे? किसी के पति नहीं थे? किसी के बाप नहीं थे? और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। मित्रों, बंगाल की रेवेन्यू, कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। मित्रों, एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया है। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को अन्य राज्यों की तरह विकसित घरों में रहने का मौका देंगे। मित्रों, ये भूमि जो है, आज जिस महान भूमि पर मैं आया हूं वो भूमि बिरसा मुंडा की भूमि, स्वतंत्र सेनानी चुनाराम और गोविंद महतो की भूमि, संथाली कवि शारदा प्रसाद किस्कू की भूमि है, और अतुल चंद्र घोष हमारे स्वतंत्र सेनानी की भूमि है।
महान संथाली लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की भूमि है और इस भूमि पर आज हमने तय करना है कि जो सरकार तुष्टिकरण करती है वो सरकार नहीं चाहिए। मित्रों, बंगाल के अंदर ममता जी के शासन में दुर्गा पूजा करनी है, मूर्ति का विसर्जन करना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। माताओं बताओ ये ठीक है क्या, बहनें बताइए ठीक है क्या। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और बदलने का काम आप ही कर सकते हो। मित्रों, आदिवासियों के वन भूमि पर अधिकार जो है वो मोदी जी देना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मित्रों, संथालों ने भूमि और वन अधिकारों के कार्यान्वयन की लंबे समय से मांग की है मगर उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको वादा करता हूं, आप कमल निशान की सरकार बना दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दीजिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून सरकारी अफसर आपके घर पर आकर इसका फायदा आपको पहुंचाएंगे। आपके घर पर आकर किसी को पैसा नहीं देने पड़ेगा। मित्रों, यहां पर जंगल उत्पाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मोदी जी ने 49 से ज्यादा जंगल उत्पादों को निश्चित दाम से एमएसपी के माध्यम से खरीदने की व्यवस्था करी है मगर ये बंगाल सरकार जंगल उत्पादों को खरीदती नहीं है। हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो 49 जंगल उत्पादों को आदिवासी माताओं के पास से, आदिवासी भाइयों के पास से एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था करेगी जो आपके घर में संपत्ति और धन पहुंचाएगा। मित्रों, यहां पर बांकुरा में लंबी द्वारकेश्वर और गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना है, अगर वो बांध बन जाता है, सिंचाई परियोजना बन जाती है, नहरें बन जाती हैं, तो 39,000 हेक्टर तक पानी पहुंचता है। पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए बताओ भाई, जरा बोलो पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, हमने तय किया है जितनी भी लागत आए ये 39,000 हेक्टर को पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये जंगल महल क्षेत्र में माताएं अपने बेटे को फोन करती हैं, आदिवासी महिलाएं अपने पति को फोन करती है तो फोन कट जाता है ना, आपका बताइए कट जाता है नहीं कट जाता है। आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार ला दीजिए, यहाँ टावरों का जाला बिछाकर हर आदिवासी घर में कनेक्टिविटी पहुंच जाए इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, बांकुरा जिले में पीने के पानी की कमी है, हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीने के पानी की सबसे पहली योजना बांकुरा और झारग्राम के जंगल महाल के आदिवासी क्षेत्र के लिए की जाएगी और हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए, हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर एक को घर देने वाले, हर एक को पीने का पानी पहुंचाने वाले, हर एक के घर में बिजली पहुंचाई है, परंतु ममता दीदी का शासन इसको आगे नहीं बढ़ाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार ने बंगाल का बहुत बड़ा पतन करने का काम किया है। अब समय आ गया है सोनार बांग्ला बनाने का, अब समय आ गया है मेरे आदिवासी बच्चों को नौकरियां मिले, रोजगारी मिले, अपने जिले में, अपने घर में रहकर वो अपनी रोजगारी प्राप्त कर सके। और वो करना है तो यहां पर कमल निशान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे आप सब लोग बताइए, आप सभी लोग ये जंगल महल के क्षेत्र में
कमल खिलाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। कमल खिलाएंगे? माताएं भी बोले खिलाएंगे। भाजपा को वोट देंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे? बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे? हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आए भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आओ। ये तीनों प्रत्याशियों को विधायक बनाकर बंगाल के विधानसभा में भेजेंगे? अरे जोर से बोलो, क्या बात कर रहे हो यार, भेजेंगे क्या? पक्का भेजेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता के, भारत माता के।